हमारे यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के जो पांच बच्चे थे अपर सुबनसिरी नाचो के, तो उनका अभी उनका अपहरण हुआ है। अभी न्यूज़ एक आ रहा है अरुणाचल प्रदेश में, जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पांच लड़का जो पोटर के लिए गया था इंडियन आर्मी के साथ, उनका जो एबडक्टेड हो गया बोल के न्यूज़ आया है, काफ़ी चर्चा चल रहा है अभी। तो उनमें से पांच लड़का में से आपका एक भाई है, तो आपको कब खबर मिला है और कब घटना तो हुआ है, आप थोड़ा बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कहता हूँ, मेरा हार्दिक दिल से आप लोग को मैं थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि मेरा फेसबुक में जो भी हम एक लेटर लिखा था तब पब्लिकेशन के लिए, तो उसमें आप लोग देख के हमको मेरा बैठने जगह तक आप लोग ने आके मुझे मेरा व्यू को माने मेरा फीलिंग को आप लोग या मीडिया के थ्रू नेशनल लेवल तक पहुँचाने के लिए आप लोग जो हमारे पास आया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो अभी रहा जो एबडक्टेड का जो बात रहा, जो पोटर इंडियन पोट ये मिलिट्री के साथ इंडियन आर्मी के साथ जो पोटर रिक्वेस्ट किया गया था, रिक्वेस्ट मतलब वो पोटर भी नहीं कहेंगे उसको, जो जस्ट लूट कैरियर ना, जस्ट लूट कैरियर जो अगस्त का 22-21 को जो वहाँ से नाचो से मूव होता है, नाचो हम लोग का सब ये नाचो सब सर्कल हेडक्वार्टर है, जो हुआ से 16 किलोमीटर से ये एक सरा 7 बोल के मिनी नाला के तरफ चला जाता है, सरा 7 और सरा 8, उसके बाद इस तरफ से जाता है सरा 9 बोल के, वो कोटक पास हो जाता है, कोटक पास होके चला जा। तो उन लोग ने उसमें आर्मी का साथ में जो लूट कैरियर का दौरा साथ में चला गया, उसके बाद बीच में कई रास्ता में जो 2-3 दिन जाने के बाद वहाँ में जो एक कैंप रहता है, तो वहाँ में कैंप रह के इंडियन आर्मी लोग का जो वो तो पहुँच जाता है वहाँ पे ना, तो ऐसे करके वो लोग इंडियन आर्मी तो दूसरा चला गया और ये लड़का लोग जो वहाँ में जो एक्साइटेड होके जो इतना सुंदरता दिखाई देता है ना, टूरिस्ट प्लेस व्यू पॉइंट होता है, तो उसको फोटो वगैरह लेने के लिए तो वो लोग पाँच लड़का में से मेरा एक भाई है, मेरा चाचा का बेटा है जिनका नाम है तनु बाकर, तो ऐसे करके वो लोग फोटो लेने के लिए जो 7 लड़का साथ में वो फोटो लेके ले रहा था, तो वो 5 लड़का जो फोटो में एकदम ये मन लगा के डिवोटेड करके बैठा हुआ था, 2 लड़का दूर से देखा तो ऐसे करके तो चाइनीज जो आर्मी लोग आके उन लोग को पकड़ के ले गया, जो 2 लड़का जो वापस चला गया बक के ये हो गया। ये वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर कुछ नहीं हो, हम लोग का ही एरिया है, इमेजिनरी जस्ट पहले जो मैकमोहन लाइन है बोल के यहाँ से बोल के कोई वहाँ में ये निशान बसन नहीं है, और उसके बाद तो वो तो कुछ नहीं, पेंशन बसन नहीं है, ऐसे करके जो 1 तारीख को जो एबडक्टेड हुआ, तो 1 तारीख से वहाँ लोग वापस आके ये पैदल वापस आके 2 लड़का जो वापस नाचो में जो ये सब डिविजनल ऑफिसर का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से ये फोन करके मेरा फैमिली से ये करके हमको कभी ये मैंने पता चला, अभी तक का मतलब अपडेट हुई है, मैंने वो लोग लेने देके जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो और मिलिट्री और वहाँ के पब्लिक लीडर जो भी कर रहा होगा अंदर में जो कर रहा होगा वो हमको पता नहीं है, और ये दूसरा जो विक्टिम फैमिली से जो आदमी लोग है उसका सोच विचार कैसे होगा वो भी हम पता नहीं है, हम जस्ट हमारा फैमिली से जो हमको फोन किया है कोई वहाँ में मीडिया इंटरेक्शन करने वाला नहीं है, तो ऐसे करके फ़ोन करके हम भी पता चल के अब आया पूरा फेसबुक में लिखने शुरू कि आप लोग आया बहुत बहुत धन्यवाद। तो पोटर में कब रिक्रूटमेंट हुआ जो आपका भाई जो? हाँ, पोटर जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो अभी जो पहले बताया ये 21-22 जो अगस्त को हुआ था, ये अभी जो एबडक्टेड हुआ 1 तारीख को हुआ है, सेप्टेम्बर का 1 तारीख को हुआ, तो मीडिया में वो जो वो लोग वापस आके जो हम लोग को ये बताया 3 तारीख को बताया, हाँ ऐसे करके पूरा सर्कुलेट हो गया ऐसे करके। तो आप सरकार से क्या कहना चाहोगे कि किस तरह आप अपील करना चाहोगे सरकार को? जो
सर जी, ऐसे थ्रो आपके चैनल का माध्यम से मैं सरकार से हुई गुजारिश करने चाहूँगा कि ये मांग भी नहीं है, मैं मेरा पोल्डेड हेन से मैं सरकार को मैं ये करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा भाई जैसे गया था ऐसे आप लोग मैंने उसको एनी हवाला देने से ठीक है। मेरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ये डिफेंस को ये है मेरा रिक्वेस्ट है, और अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट को मेरा रिक्वेस्ट है, और जो भी हो इंडियन ये आर्मी का जो भी मैंने बड़ा बड़ा ऑफिसर हो उससे रिक्वेस्ट है कि मेरा भाई और उनके साथ ये जितने भी हो उसको सही सलामत अपने ये परिवार को फिर से मिलन होने दीजिए। जैसे कि आप लोग मालूम होगा मेरा भाई का बिना मेरा लाइफ भी अधूरा रहता है। हम कहने से भी आंसू के साथ कहना पड़ता है, पीने से भी आंसू के साथ पीना पड़ता है, हम मैंने सोने से भी चैन में नहीं आता है। तो उसको मरा भी दिया होगा, किसे भी कर दिया होगा, तो मैंने ऐसी चिंता में है ऐसे ना, इसलिए ये मेरा सरकार से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे भी करके एनी हाउ ये भी जो भी आप लोग का लेवल से ट्राई करके सही सलामत हमारे घर में फिर से असी मोजक एक होने दीजिए बोल के हम ये प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, थैंक यू।